In this particular video, we will come to know what is complexity exactly, what is the meaning of complexity, you know, what is the complexity theory exactly, you know, what is the relation between algorithm and complexity. जब भी हम algorithm analysis की बात करते हैं या algorithm की efficiency की बात करते हैं तो हम सीधे time complexity की बात करते हैं या space complexity की बात करते हैं, but ये complexity exactly होती क्या है, इसका exact meaning क्या होता है, how can we define it? चलिए आज इसे सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं संजय, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक टिप नाउ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नाउ अगर कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एन एल्गोरिदम। इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाई जूरिस हार्टमैनिस एंड रिचर्ड ई ईस्टर्न्स। इन्होंने इसे डेवलप किया था, ये कॉम्प्लेक्सिटी की थ्योरी उन्होंने डेवलप की थी। कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। किसी भी एल्गोरिदम की जो डिफिकल्टी होती है उसका ऑर्डर कितना है, दैट इज एग्जैक्टली योर कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी ऑल नो, जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, व्हाई वी यूज कंप्यूटर? बेसिकली फॉर कंप्यूटेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशन एग्जैक्टली? इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। और जब भी हम किसी ऑपरेशन की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एनर्जी चाहिए। अगर आप कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें आपका हार्ड वर्क लगता है, उसमें आपका टाइम लगता है। सिमिलरली इन केस ऑफ कंप्यूटर वी कैन से वी नीड सिस्टम रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एंड दोज रिसोर्सेज आर बेसिकली वॉट वी नो दैट प्रोसेसर एंड मेमोरी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि कंप्यूटर में प्रोसेसर और मेमोरी का बोलने का मतलब, ये बात तो तभी लागू होगी जब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर में किसी ऑपरेशन को करते हैं। बट कंप्यूटेशन एक इतना ब्रॉडर टर्म होता है जिसे हम प्रैक्टिकली सिर्फ बाउंड नहीं कर सकते, बिकॉज थ्योरेटिकली भी हम कई बार कंप्यूटेशंस को मेजर करते हैं टू परफॉर्म द इफिशियंसी। सो वी कैन से जब हम थ्योरेटिकली किसी कंप्यूटेशन की बात करते हैं, सो देयर वी डिफाइन कंप्यूटेशन इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड टाइम एंड स्पेस। नाउ अगर आप टाइम और स्पेस के मेजरमेंट की बात करते हैं तो देयर वी ऑलवेज राइट एल्गोरिदम। एंड जब आप प्रैक्टिकली प्रोसेसर या मेमोरी की बात करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं किसी एल्गोरिदम की, तो देयर वी यूज दिस प्रोग्राम। सो प्रोग्राम एक्चुअली यूजेज योर प्रोसेसर एंड मेमोरी। सो वी कैन से दैट प्रोसेसर इज इक्वल टू टाइम एंड मेमोरी इज इक्वल टू स्पेस एंड एल्गोरिदम इज समथिंग विच इज ऑलवेज कन्वर्टेड इन टू प्रोग्राम। सो इट मीन्स दैट टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन वी नीड रिसोर्सेस। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी रिड्यूस द यूज ऑफ रिसोर्सेस। हम कैसे किसी भी एल्गोरिदम में यूज होने वाले रिसोर्सेस को या किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेस को या सिस्टम रिसोर्सेस को रिड्यूस कर सकते? तो जाहिर सी बात है, बाय राइटिंग इफिशियंट एल्गोरिदम्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिसाइड एल्गोरिदम इज इफिशियंट। सो देयर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम्स इन पिक्चर। सो अगर हमें कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करना हो, सो वी कैन से कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डिफिकल्टी ऑफ ए प्रॉब्लम, often measured by how much time and space it takes to solve a particular problem. किसी particular problem को solve करने के लिए कोई algorithm कितना time और space लेता है, इसे measure करने के लिए हम complexity का इस्तेमाल करते हैं। Order of difficulty of an algorithm, that we can say is all about our complexity. Complexity की मदद से हम ये भी determine करते हैं कि किसी program के या algorithm में इनपुट या प्रोग्राम इंस्टेंस के चेंज होने पर उसके रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है, दैट यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ दिस। सो वी कैन से कॉम्प्लेक्सिटी हेल्प्स डिटरमाइन हाउ डज द रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोग्राम और एल्गोरिदम स्केल्स, दैट इज व्हाट हैपेंस एज द साइज ऑफ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्वड गेट्स लार्जर। सो नाउ अब हमको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी का मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं क्या, हमारे एल्गोरिदम की इफिशियंसी की। There is a very nice relation between these two, that both this difficulty and efficiency are reciprocal of each other. Like difficulty अगर आपकी increase होगी तो efficiency आपकी decrease होती है, और difficulty अगर आपकी decrease होगी तो efficiency आपकी increase होती है. Now this efficiency is always how we measure actually, इसको हम measure कैसे करते हैं? तो इसके लिए जैसे मैंने बोला, obviously complexity का जब हम concept use करते हैं, so there actually we use mathematical algebraic fundamentals.
दीज मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंडामेंटल्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लाइक बिग ओ आई नो बिग ओमेगा एंड बिग थीटा. सो दीज आर डिफरेंट यू नो वेज वेयर बाई थ्रू विच वी कैन यू नो मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम. इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वन बाई वन आने वाले सेशंस में. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज एसिम्प्टोटिक नोटेशन. सो विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट यू नो मैथमेटिकल नोटेशंस वी एक्चुअली मेजर व्हाट टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड यू नो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड इज आवर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो इन अनदर वे वी कैन से देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जनरली वी मेजर. वन इज योर टाइम एंड वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट सेशन में इंडिविजुअली हम इसके बारे में बात करेंगे. सो ओवरऑल जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तो कॉम्प्लेक्सिटी इज अ कंप्यूटेशनल थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट विच वी एक्चुअली यूज टू मेजर द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एन एल्गोरिदम. एंड किसी भी एल्गोरिदम की डिफिकल्टी को या इफिशियंसी को दूसरे तरीके से हम बोले मेजर करने के लिए हेल्प लेते हैं मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फंडामेंटल्स की. और उन फंडामेंटल्स को यूज करते हुए डिफरेंट नोटेशंस बनाए गए हैं और उन नोटेशंस की मदद से हम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं किसी भी एल्गोरिदम. बेसिकली दो टाइप से हम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, दैट इज टाइम एंड वन इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. आने वाले सेशन में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में बात करेंगे, बिग ओ ओमेगा थीटा एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.